ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, मूलभूत सुविधाओं को तरसती महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट समस्याओं के समाधान के लिए लगाई गुहार। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकारी दावा और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। आज़ादी के 76 साल बाद भी अभी ऐसे कई गांव मौजूद हैं जहां सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे ही एक मामला शिवपुरी जिले की सतनवाड़ा ग्राम पंचायत की आदिवासी बस्ती महादेव कॉलोनी का है। यहाँ के रहवासी कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से गाँव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। गाँव में सालों से जब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई तो गुस्साई महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाई। देखिए क्या कुछ कहा महिलाओं ने। कलेक्ट्रेट में आई थी, आप क्या समस्या लेके आई थी यहाँ पे? लाइट और पानी की। कहाँ से आई हो आप? सतनवाड़ा। कौन सी जगह रहती हो? महादेव कॉलोनी में रहती हो। तो क्या समस्या आ रही है वहाँ? झोपड़ी बनी है और ना लाइट होए, ना सड़क अच्छी होए और पानी भी नहीं है पीने को। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया है यहाँ तुम्हें? जहाँ अभी आपकी तन लगाता हुआ जहाँ कहीं के हो जाएगी। अच्छा जी, अभी चुनाव हुआ तो जब नेता वगैरह आए थे आपके गांव में, जब आपने कितने सालों से समस्या आ रही है? 5-6 साल हो गए। हमने कहा 5-6 साल हो गए। अब ऐसे सीधे बजाते जो परेशान है, हमें कोई नहीं सुन रहा। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे रहते 30-40 टपाइयाँ बनी है। अच्छा, ना लाइट है ना पानी है? ना लाइट है पानी। और सरपंच से कहते हैं ना तो हमें व्यवस्था करो, तो जो कह देते हैं तुम क्या करेंगे, हमने तुम्हें आवेदन लगा दें, तुम्हें पानी आ जाओ, लाइट आ जाएगी। ना हमने आने देते ना खुद का। अच्छा, सेक्रेटरी सरपंच काम कर देते, हम जब कहीं को आते तो भी हमें सुनता ही नहीं है। ठीक है।